हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है वापस एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका सेकंड पार्ट को। अगर इस वीडियो पे 3000 लाइक्स हो जाते हैं इसका पार्ट 3 आ जाएगा, ठीक है। वीडियो के अंदर यस कमेंट कर लेना ताकि भाई एंगेजमेंट बढ़ सके, वीडियो थोड़ी वायरल जा सके, प्लीज प्लीज। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुमने नहीं किया तो। डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर एमसी सारे पिल्स निकाल देता है, फिर बता रहा था कि चलो कॉम्पिटिशन स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पिल्स खाएगा। और ये जो है एल्डर खा रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतने ज्यादा डिलीशियस होंगे। भले इनका इफेक्ट जो है मुझ पे यूजलेस है, लेकिन फिर भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ इनको खाने में। और ये फिर बता रहा होता है कि पहले भी एक दफा मैंने ये जो है पिल खा लिया था, लेकिन एक को खरीदने के लिए मेरी जो है लाइफ सेविंग खत्म हो चुकी थी। और पहले इसने जो है पिल्स खाई थी वो इतने ज्यादा हाई लेवल की नहीं थी, एमसी वाली 9 लेवल वाली है। और ये फिर बता रहा होता है लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा अच्छी है, उससे कंपेयर नहीं हो सकती है। और ये रो रहा होता है कि काश मुझे ये पिल्स पहले मिल जाते, जब मैं इनको ढूंढ रहा था तो अच्छा होता। एमसी फिर इसे बता रहा होता है कि एल्डर, अगर तेरे को नहीं खाना है तो मत आओ, मैं जो हूँ तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा दे दूंगा इसके बदले में। और ये अजय फिर बता रहा होता है एमसी को कि तुम जो हो समझ नहीं पाओगे कि अगर एल्डर और मैं जो हो पुराने दिनों में ये पिल्स खा लेते हैं तो हम जो बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो जाते हैं अभी तक। ये फिर सोच रहा होता है कि हम दोनों जो है काफी दूसरे लेवल पे जा चुके हैं, लेकिन हम जो है अभी और ज्यादा लेवल अप नहीं कर सकते चाहे हम कुछ भी कर लें। ऐसे फिर बता रहा होता है कि इसको कि क्यों ना तुम जो है एल्डर की हेल्प कर लो, अगर तुम उसकी हेल्प करोगे तो भाई मैं तेरे को जो हूँ रिवॉर्ड दूंगा, जितने भी पैसे चाहिए दे दूंगा, और क्यों ना तुम ये भी जो है खा लो। ये फिर बता रहा होता है कि क्या मैं जो हूँ तुम्हारे सेक्ट से नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे बता रहे हो कि मैं इनको खा सकता हूँ। ऐसे बताते हैं कि ये भी आ जाता है, फिर बता रहा होता है कि चलो फिर मैं खा लेता हूँ। और इसी के साथ काफी ज्यादा टाइम गुजर जाता है, ये तब भी खा रहे होते हैं। और एमसी फिर बता रहा होता है कि ये अभी बहुत ज्यादा स्लो है और कब जो है मास्टर और जूनियर आएगा। एल्डर एमसी को बता रहा होता है कि हाँ ये पिल जो है ऑक्शन भी हो रहे हैं, क्या वो तुम्हारे ही है ना उस ऑक्शन हाउस के अंदर जो हो रहे हैं। और ये भी सोच रहा होता है कि भाई मेरे मुंह की हालत खराब हो चुकी है इसे खा खा कर। एमसी फिर बता रहा होता है कि हाँ वो दोनों पिल्स मिल रही है और मुझे पता नहीं था कि ये बेकार से पिल जो है इतने ज्यादा महंगे बिक सकते हैं, और मैं बस देखना चाहता था कि कौन जो है पागल होगा उसे खरीदेगा। और ये सोच रहा होता है कि ये पिल जो है मे बी मिलियन की बिक जाएगी। और ये फिर बता रहा है कि ये देखना चाहता है कि कौन जो है पागल होगा ये पिल को ऑक्शन के अंदर खरीदेगा। हमें यहाँ पर मास्टर दिखाई जाती है जो कि बता रही होती है इसको कि मैं एमसी और साथ में जो एल्डर को सेंस कर सकती हूँ वो जो है किस रूम के अंदर है, चलो चलते हैं। और इसके डिसाइपल भी बता रहे थे कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मास्टर जो है इस पिल को खरीद लेगा, इतने ज्यादा पैसे लगा देगी। और ये जो यहाँ पर जैसे ही आ जाते फिर बता रहे थे कि सीनियर देखो मास्टर ने क्या खरीदा है। और मास्टर भी सोच रही होती कि एमसी जो किस टाइप का एक्सप्रेशन बनाएगा जब ये देख लेगा। और मास्टर सोच रही होती कि भले वो बहुत ज्यादा रिच है लेकिन ये पिल जो है आसानी से नहीं मिलते, भले तुम्हारे पास पैसे हो, चलो देखते हो कि इसकी हालत क्या होगी। और मास्टर फिर इसे बता रही होती कि क्या हो चुका है तुम्हें, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो। और ये भी शोक हो चुका था, फिर बता रहे थे कि मास्टर वो देखो। और मास्टर जैसे ही देख लेते ये लगे होते पिल्स को खा रहे होते हैं, और डायरेक्ट ये जो है शोक हो जाती है। और इसका दिल बेचारा टूट जाता है कि भाई कैसे मैंने इतने ज्यादा पैसे लगा दिए थे और ये जो है यहाँ पर मजे से खा रहे हैं। और ये भी बता रहे थे कि मास्टर क्या हो गया। और ये भी देख लेते इनको, ये जो है शोक हो जाते, फिर बता रहे होते कि अच्छा तो वो स्केपगोट जो के ये पिल खरीदने वाला था वो मास्टर निकला, मतलब निकली ना सही है लड़की है वो। और ये लड़की फिर बता रही थी कि एंड में फिर भी मैंने जो है मेसअप कर लिया है। और मास्टर फिर बता रहे थे कि अच्छा तो ये बेकार से पिल ये लड़का बता रहा है मेरे डिसाइपल के, ये बेकार से पिल दे, इस पिल के लिए मैंने ऑक्शन के अंदर इतने ज्यादा लोगों से फाइट की और फाइनली मैंने जीत लिया, और तुम लोग यहाँ पर इसको ऐसे ही खा रहे हो। ये फिर बता रहा था कि हाँ सही बता रही हूँ मिस। और ये लड़की फिर बता रही होती कि मुझे लगा मैं ये पिल खरीद लूंगी तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये मुझे रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई ये जो है देखना चाहता था कि कौन सा पागल जो है ये पिल खरीदेगा। और एल्डर भी बता रहे थे कि मास्टर तुमने ये पिल इसके लिए खरीदी थी, मतलब तुम अच्छा सोच रहे थे इसके लिए। और ये भी लड़का आ जाता है और फिर बता रहे थे कि क्या ये मैं पिल्स खा सकता हूँ। और ये जो है एल्डर खुश हो जाते कि फाइनली कोई बंदा आ चुका है जो कि हमारे साथ ये पिल्स खाएगा। एमसी भी बता रहे थे कि हाँ जितने भी चाहिए तुम खा सकते हो, पेट भर लो अपना। और ये फिर बता रहे थे कि सच में थैंक यू ब्रदर। और ये जैसे ही आ जाते इसको खाने के लिए मास्टर बताती कि रश मत करो, और ये रुक जाता है। और जैसे ही पिल नीचे गिर जाता है यहाँ पर ये कुत्ते को भी देख लेता है जो कि इसे देख रहा होता है। और ये डायरेक्ट कूद जाता है, सोच रहे थे कि नहीं ये कुत्ता जो है ये पिल्स खा लेगा ये अच्छा नहीं होगा। और ये कुत्ता डायरेक्ट जो है इस पिल को लात मार देता है। और ये भी शोक हो जाता है, ये यहाँ पर बैठ जाता है। और डायरेक्ट ये जो सीन देखकर शोक हो जाता है कि ये कैसे हो रहा है, और जितने भी वाइल्ड बीस्ट वगैरह होता है अगर ये पिल को देख ले वो पागलों की तरह खाने लग जाते हैं। और ये इसे फेंक रहा है। और ये जो आ जाते हैं मास्टर को बता रहे थे एमसी के बारे में कि सच में तुम्हें इसको एक तरह से कंट्रोल करना चाहिए, इतने ज्यादा पैसे लगा रहे हैं तो तुम्हारा इन्फ्लुएंस होगा और तुम जो हो इसके एक्शन को कंट्रोल करोगी ना। और ये जो है फिर इन्हें बता देते हैं कि ये पिल जो है कितने ज्यादा एक्सपेंसिव है, कितने ज्यादा जो है स्पेशल है, लेकिन इसने पूरे 2000 से भी ज्यादा उस कुत्ते को दे दिए थे खाने के लिए। और ये लड़का सुन के जो है शोक हो जाता है, यहाँ तक कि मास्टर भी शोक होती है। एमसी फिर बता रहा होता है कि मैंने कुत्ते को इसलिए दिया था क्योंकि कुत्ता जो है तुम लोगों से ज्यादा तेजी से खा रहा था। और ये भी गुस्से में होता है, कुत्ते को उठा लेता है। ये फिर बता रहा होता है कि मैं सोच नहीं सकता हूँ कि मैं जो हूँ कुत्ते से भी घटिया लाइफ जी रहा हूँ। एमसी इनको वापस से बताते कि जल्दी करो ये पिल जो है खाने लग जाओ तुम सब। और ये लड़की भी सोच रही थी कि भाई मैं जो हूँ किस टाइप के डिसाइपल से आ चुकी हूँ, ये इस तरह से कैसे है। और इसी के साथ पूरा एक घंटा गुजर जाए, और इसी के साथ एक घंटा गुजर जाता है, ये खा लेते हैं। फिर बता रहे थे कि हम और नहीं खा सकते हैं। एमसी फिर बता रहे होते अभी भी मेरे पास जो है काफी लोग नहीं है, अभी भी 2000 पिल जो है बचे हुए खाने के लिए। और डायरेक्ट एमसी मास्टर को देख लेता है,
और मास्टर फिर बता रहे थे कि तुम मुझे फोर्स नहीं करा सकते, मैं नहीं खाने वाली ये। अर्ज फिर बता रहा था कि प्लीज इसे खा लो, सिर्फ 2000 ही तो बचे हैं। और ये लड़की फिर बता रहे थे कि क्यों ना मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, मुझे ये दे देना, मैं जो हूँ इस पिल्स को अपने फादर के सेक्ट में बेच दूंगी, वहाँ पर काफी ज्यादा लोगों की हेल्प हो जाएगी कल्टीवेशन करने में। OMC फिर बता रहा था कि मास्टर ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे बेच नहीं सकता हूँ। OMC सोच रहा था कि ये सारे आइटम जो है मुझे सिस्टम से मिले हैं, अगर मैं इसे बेच देता हूँ तो सिस्टम मेरे पॉइंट्स काट देगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। और डारी कूट जाती फिर बता रही होती कि मैं तुम्हें इसकी 10 गुना पैसे दूंगी। और सारे फिर बता रहे थे कि इसे देखो भाई। ये सोच रही होती कि मैं जो एक मास्टर हूँ, मैं अपने डिसाइबल से कैसे पैसे के बारे में बात कर सकती हूँ। और यहाँ तक कि मैं जो हूँ एक तरह से MC के बारे में बता रही होती कि इससे बात कर रही हूँ जिसको पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है। अचानक से MC जो है आ जाता है और फिर बता रही होती कि मास्टर इस पिल का जो टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है, क्यों ना तुम टेस्ट करके ट्राई कर लो। ये लड़की भी बता रही होती कि तेरे को ये प्लेट कहाँ से मिली। और ये जो है एक उठा लेती है और फिर बताती कि चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ। और इसी के साथ 2 घंटे गुजर जाते हो, ये सारे जो है फिनिश कर लेते हैं इन पिल्स को, मतलब मास्टर ने सच में इतने ज्यादा पिल्स खा लिए। और ये यहाँ पर गिरा होता है, फिर बता रहे होते कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिए, मैं जो यहीं पर ही लेटा रहूंगा कुछ देर के लिए। और डायरेक्ट सिस्टम भी MC को कॉन्ग्रेचुलेट कर लेता है कि तुमने जो है पूरे ये उड़ा दिए जितने भी पिल्स थे, इससे जो है पूरे 100 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। साथ में दूसरा एल्डर होता है, उसने भी हेल्प की थी, उसके भी 200 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और साथ में सिस्टम ने जितने भी MC को आइटम दिए थे वो सारे जो है खत्म हो चुके हैं, तो MC को 1000 पॉइंट्स और भी मिल जाते हैं। और साथ में और भी चीजें रिवॉर्ड में मिल जाती है, जो कि पता नहीं भाई क्या है ये चीजें, क्या सीन है भाई। MC फिर बता रहे थे कि ये सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे लगा मुझे सिर्फ पॉइंट्स मिलते रहेंगे, लेकिन इन्होंने मुझे जो है और रिवॉर्ड्स भी दे दिया है। भाई रिवॉर्ड्स मतलब वो चीज है जैसे कि पिछले बार MC ने शॉप से उठाया नहीं था, वो जो कल्टीवेशन के लिए थे जिससे पैर इसके ब्लैक हो गए थे। और ये जो फिर एल्डर को बता रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं जो एक सेक्ट मास्टर हूँ और साथ में एक जो हूँ इसकी भी मास्टर हूँ, क्या मैं जो चीजें कर रही हूँ वो इंटरेस्टिंग है। और ये फिर बता रही होती है कि सबसे पहली बात ये है कि इसे जो है मुझे कल्टीवेशन नहीं करानी पड़ रही है, दूसरी चीज ये है कि इसको जो है रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तीसरी चीज ये है कि उल्टा मैं जो अपने डिसाइपल से ही पैसे कमा रही हूँ, ना कि मुझे देना पड़ रहा है इनको। ये फिर बता रहे थे MC के बारे में कि हाँ भाई ये जो है डिसाइपल कम लगता है, ये जो है सेक का गॉड ज्यादा लगता है जिसके पास पैसा ही पैसा है उड़ाने के लिए। MC डायरेक्ट इस एल्डर के पास भी आ जाता है, फिर बता रहा होता है इसे जो चीजें सिस्टम से अभी MC को मिली थी उन चीजों के बारे में बता रहा होता है, हर्ट्स के बारे में। और ये लड़की भी बता रही थी कि देखो वापस से ये शुरू हो गया। और जैसे ही वो चीजों के बारे में ये सुन लेता है डारी कूट जाता है। और ये फिर बता रहा होता है कि वो 9 लीफ रिजरेक्शन हर्ब के बारे में जो बोल रहे हो वो जो एक लेजेंडरी स्पिरिट हर्ब है। और ये डायरेक्ट यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो जाती है इस हर्ब के बारे में बता रहा होता है। और ये भाई बकवादिया कर रहा होता है, ज्यादा तो इन चीजों के बारे में नहीं बताने वाला कौन सा हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर ये मिल रही है। और ये फिर बता देता है अगर कोई जो है ये पिल खा लेता है 24 घंटे के अंदर जब मर जाता है तो वो वापस से जिंदा हो सकता है। और ये मास्टर सोच रहा होता है इस पिल के बारे में कि इसके पीछे लोग पागल है अगर किसी को भी मिल जाती है ये तो। और यहाँ तक ये भी बता देते हैं फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी बॉडी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन तुमने वो पिल खा रखी होती है तो तुम्हारी सोल वापस आ सकती है, तुम्हें कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है ताकि तुम्हारी बॉडी सही हो जाए उसके बाद तुम आ सकते हो। मतलब क्या सीन चल रहा है, मतलब ज़ॉम्बी गेम चल रहा है, तो इसलिए मतलब तुम मारे नहीं जा सकते हो, यहाँ पर तुम्हें कोई पेलेगा तो मर नहीं सकते, वापस से जिंदा हो जाओगे। ये MC को बता रहा होता है कि तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। मास्टर का जो वो दूसरा है ना एल्डर है वो सोच रहा होता है कि क्या इस लड़के के पास ये भी चीज है, अगर इसके पास अगर ये चीज नहीं होगी तो ये जो इसके बारे में कभी भी बात नहीं करेगा इसे। और डायरेक्ट एल्डर जो है फिर इसे बता देता है कि क्या तुम्हें कुछ हर्ब्स के बारे में पता है। ये फिर बता रहा होता है कि हाँ इन चीजों के बारे में पता है जिसके बारे में बोल रहे हो, क्यों इसके बारे में क्या बात करनी है। और एल्डर फिर बता देता है कि ये लड़का जो है इसने इसके अंदर पैर डाल रखे थे अपने पैरों को जो है धोने के लिए। ये फिर बताते कि क्या। और ये जो काफी ज्यादा गुस्सा होता है MC पर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की। और एल्डर MC को बता रहा था तुम्हारे पास जो है ये 9 लीफ रिजरेक्शन हर्ब भी है ना जो इसके बारे में पूछ रहे थे, और तुम्हें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा लेकिन समझ लो कि ये बहुत ज्यादा लेजेंडरी चीज है, तो इसलिए उस चीज से अपने पैरों को मत धोना इस दफा प्लीज। फिर MC बताते हैं लेकिन मेरे पास 3 प्लांट्स हैं, अगर एक से मैं पैर धो लूंगा तो वो काफी रहेंगे। MC सोच रहा था कि भाई मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो इसे भी इंजॉय कर लूंगा, पैर धो लूंगा, जो भी धोना है इससे घंट भी धो लेंगे, मजा आएगा। और इसे गुस्सा हो जाता है, फिर बता रहा था कि तुम सीरियस हो भाई, तुम ये नहीं कर सकते हो। और ये MC को बता रहा होता है कि भाई जल्दी करो मेरे को पैसा बताओ, कितना पैसा चाहिए, तुम ये कांड नहीं कर सकते, मैं सब कुछ खरीदूंगा, जितना पैसा चाहिए बोलो मेरे को ये चाहिए। और ये बूढ़ा फिर बता रहा होता है कि ये पिल जो यूज होता है मुर्दा को जिंदा करने के लिए, लेकिन साला तू इससे पैर धोएगा। MC डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं मास्टर के पास। MC इसे बताते हैं कि मास्टर क्यों ना तुम रख लो मेरी तरफ से फ्री में। और ये लड़की सोच रही होती है कि मैं इसकी मास्टर हूँ, पहले भी इसने मुझे काफी ज्यादा पैसे दे दिए थे, ज्वाइन करने में भी बहुत ज्यादा पैसे दे दिए थे, बाद में भी पैसे दे दिए थे, अभी आज जो है ये मुझे वो पिल्स वगैरह भी दे दिए थे थोड़ी देर पहले, अभी ये चीजें भी दे रही है, मुझे कितने ज्यादा ये चीजें फ्यूचर में देगा। और ये जो सोच रही होती है कि फ्यूचर में क्या पता MC इसके साथ कांड कर ले। और ये फिर बता रही होती है कि रुको जरा, और मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि MC मेरा मास्टर है, वो जो है मुझे अडॉप्ट कर रहा है, ना कि मैं इसकी मास्टर हूँ। और ये फिर भाई ब्लशिंग कर रही होती है बच्ची, और फिर बता
देती कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, ये सोच रही थी कि नहीं ये फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मैं फ्यूचर में जो है लेवल अप करूंगी तो ट्रिबुलेशन आएगी जिससे वो बिजली आती है ना बंदे पे लगती है जब तुम हाई लेवल पे चले जाते हो। ये फिर बता रही थी कि मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ सेव करने के लिए। फिर हमसे बता रहे थे कि हाँ मेरे पास अभी दो बच्चे हैं, एक से मैं अपने पैर धो लूंगा और दूसरा जो है फिल्डर भाई को बताता है, इसका नाम भाई है सच में। फिर हमसे इसे बताता अगर तुम मेरी हेल्प करोगे कुछ फिजिकल लेबर में चीजें उठाने के लिए फ्यूचर के अंदर तो ये जो है तुम्हारा हो सकता है। ये फिर बता रहे थे कि सच में तुम मुझे दोगे ये। एमसी को बता रहे थे कि तुम ये कहना चाह रहे हो अगर फ्यूचर में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा हार्ड लेबर के अंदर तो तुम मुझे ये दे सकते हो ना। और डायरेक्ट वो दूसरा एल्डर आ जाते, फिर एमसी को बता रहे थे कि मेरे बारे में क्या ख्याल है, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा ही अच्छी है, मैं काम कर लूंगा तुम्हारे लिए। ये आ जाते फिर बता रहे थे कि एल्डर तुम क्या सोच रहे हो, ये जो है मेरे लिए है, तुम नहीं ले सकते हो इसे। यहाँ पर जो इन दोनों की फाइट शुरू होने वाली होती है और फिर ये एल्डर दूसरा वाला बता रहा होता है कि ज्यादा कुछ भी नहीं है लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि मुझे ये जो है हर मिल सकता है इससे, और दूसरा बता रहा होता है कि तुम्हें जो है वापस चले जाना चाहिए अपनी जगह पर आराम से, मैं जो ये सारे मैटर जो है खुद कर लूंगा। और ये यहाँ पर जो सोच रहा होता है कि अगर एमसी जो है अपना पैर वापस से धोएगा इस हर्ब से तो क्या मैं इसे ज्वाइन कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं भी धो लूं। और यहाँ पर ये जो इसे रख के मार देता है, फिर डायरेक्ट उसके मास्टर के पास आ जाता है और डायरेक्ट मास्टर को बता रहा था कि प्लीज मैं जब यंग था मैंने जो है कभी भी कल्टीवेशन सही से नहीं की थी, प्लीज क्या तुम अपने सेक्ट का एक एल्डर मास्टर बना सकते हो मुझे, मतलब एल्डर बना सकते हो, मास्टर तो नहीं होता ना, मास्टर तो एक ही रहता है। और ये फिर बता रही होती कि एल्डर क्या कर रहे हो तुम, एक 9th ईयर के एल्केमिस्ट हो तुम और तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो भी काफी ज्यादा है, थर्ड लेयर पर है तुम्हारी और यहाँ तक कि तुम्हारा ऑक्शन हाउस भी है और भी चीजें हैं यहाँ पर और तुम बहुत ज्यादा फेमस हो, तुम चाहते हो कि तुम मेरा सेक्ट ज्वाइन करो। ये फिर बताते कि हाँ। और ये जो फिर इसको बता रहा होता कि जब तुम यंग थी मैंने तुम्हें जो उठा दिया था, अगर तुम नहीं मानोगी मैं तुम्हारे बाप के पास चला जाऊंगा उसे बताने के लिए, तुम्हें जो ज्वाइन कराना पड़ेगा फिर मुझे। ये सोच रहा होता कि एमसी जो है ऐसे लेजेंडरी हर्ब्स निकाल सकता है, अपने पैर भी धो सकता है, इन्हें भी गिफ्ट में दे सकता है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ये चीजें इसके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पास और भी ज्यादा अच्छी चीजें होंगी अभी, तो इसलिए मुझे जो है हर चीज फास्ट में करनी पड़ेगी, मुझे ये चांस नहीं मिलेगा। और वहाँ पर दूसरा एल्डर एमसी को बता रहा था कि इसके बाद मत सुनना। और मास्टर फिर ऐसे बता देते कि ठीक है तुम ज्वाइन कर सकते हो लेकिन तुम्हारा वो बिजनेस का क्या सीन है। फिर बता रहा होता कि ये बिजनेस जो है मैं अपने बेटे पे छोड़ दूंगा, वही काम करेगा। और इसे भी गुस्सा आ चुका होता है कि साला ये अभी घुस रहा है हमारे क्लैन के अंदर, क्लैन या सेक्ट एक ही चीज बोलो। और ये आ जाता है फिर इसे बता देते कि एल्डर भाई मैं जो हमेशा देखना चाहता था तुम्हारी ये एक्सप्रेशन, कि मैं देखना चाहता था कि तुम पावरलेस होगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वही फेस अभी तुम बना रहे हो। और ये फिर बताते कि ये रिजरेक्शन के लीव जो है अभी डिपेंड है कि कौन जो है काम करेगा उसे मिलेंगे। और ये लड़की अपने ब्रेन में सोच रही होती कि मेरा गोल क्या है। और ये फिर बता रहे होते कि मुझे जो है रिवेंज लेना है, ऊपर जाना है और काफी ज्यादा कल्टीवेशन करनी है, लेकिन ये सोच रही थी कि सब कुछ ओवर हो चुका है, पहले मेरे को 2 डिसाइपल मिल चुके थे, अभी मुझे जो है एक बहुत बड़ी रैंक का एल्केमिस्ट मिल चुका है, ये चल के आ रहा है, मुझे जो है अपने सेक्ट नहीं बड़ा करना है। एमसी फिर बता रहे थे कि हाँ तुम लोगों को क्या पता है कि ये जो गोल्ड सिल्क वर्म होता है ये क्या होता है, गोल्ड स्टार जैम भी क्या होता है। और ये डायरेक्ट आ जाता है फिर बता रहा था कि सच में ये तुम्हारे पास है। फिर एमसी बता रहा था कि नहीं मेरे पास नहीं है, बस मैं पूछ रहा था कि होता क्या है, भाई सब लोग अगल हो चुके हैं एमसी के पीछे। एमसी सोच रहा था कि ये मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि अभी मुझे खा जाएंगे। और एमसी सोच रहा था कि ये गोल्ड सिल्क वर्म जो है ये बहुत ही ज्यादा आगे है, एक्सपेंसिव है और भाई रेयर चीज है इस लीव से ज्यादा, क्योंकि ये पागल हो रहे हैं। और ये लोग भी सोच रहे होते हैं कि हाँ इसने अगर इस चीज की बात कर ली इसके पास जरूर है, ये हमसे छुपा रहा है। और ये आ जाते फिर बता रहे थे कि ब्रदर सीनियर तुम लोगों को ये बंदा कहाँ से मिल चुका है, ये गोल्ड है, वेल्थ है, इसके पास इतना ज्यादा पैसा है और इसके पास जो कैसे हर चीज होती है। और यहाँ पर पता नहीं कुछ हो रहा होता है इसके साथ, भाई क्या चल रहा है, इतने बड़े बुबास। और ये फिर बताते कि चलो हमें जो है वापस से सेक पे जाना पड़ेगा अभी ही, लगता है कुतांड होने वाले सेक के अंदर। और ये एल्डर भी बताते कि मिस क्या हो चुका है। और ये फिर बता रहे थे कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मेरा फादर जो आ चुका है और उसने बताया कि उसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी किसी मैटर पर, और ऐसा लग रहा है जैसे वो यहाँ पर आ चुका है मेरे सेक को देखने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए। और इसी के साथ 5 घंटे गुजर जाते हैं, ये सेक पर यहाँ पर आ जाते हैं और रात हो चुकी होती है और इस लड़की का फादर यहीं पर ही होता है। ये फिर बताते कि फादर मैं आ चुकी हूँ। और इसका फादर फिर बता रहे थे कि तुमने जो है मुझे सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड कर दिया है, और भाई साहब भाई कपड़े क्या पहन रखे हैं। और ये फिर बता रहे थे कि फादर तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आ चुके हो। और ये फिर बता रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, कल जो था वो तुम्हारे सर का एडमिशन वाला दिन था जहाँ पर सब लोग जो है आने थे, लेकिन किधर गए, तुम्हारा एक भी डिसेबल मुझे नहीं दिख रहा और मुझे लग रहा था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आ चुके होंगे और बहुत ज्यादा रश होगा और लोग जो है आएंगे मेरे पास मुझे टी देने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। ये फिर बता रहे थे कि मैं सारा दिन अकेले यहाँ पर बैठा हुआ था लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था, और मैंने इसलिए जो है तुम्हें मैसेज भी भेज दिया था 5 घंटे पहले। और ये फिर बताती फादर ये दोनों डिसाइबल है जो कि मैंने रिक्रूट किए हैं कल ही, मेरे राइट पे ये फेंग है और मेरे दूसरे की तरफ लैंग फ्यूंग, अजीब सा नाम है बस है तो सही। और ये लड़की सोच रही थी कि लकीली मेरे पास 2 लोग है तो क्या पता मान जाइए। और ये फिर बता रही होती कि फादर तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, देखो मैंने इसे पर्सनली जो है सलाह किया है। और ये लड़की सोच रही होती कि पिछली लाइफ के अंदर मेरे पास कोई भी पेरेंट्स नहीं थे, मैं ऑर्फिन थी, लेकिन इस दफा मुझे जो है अपने पेरेंट का ध्यान रखना है। और ये फिर एमसी के पास आ जाता है, फिर बताते अच्छा ये पर्सनल डिसाइपल है। और इसको फादर
सोच रहा था कि मेरी बेटी जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है और ये जो है बचपन से सिर्फ कल्टीवेशन करती थी लेकिन इसने जो है पर्सनल डिसाइपल भी ले लिया है। और ये फिर बताते कि ये जो है किस लेवल पर है और इसका स्पिरिट रूट जो है वो क्या है। ये लड़की फिर बताती कि कुछ भी नहीं है इसका और फिर बताते कि इसका टैलेंट, फिर बताती कि टैलेंट भी इसका कुछ नहीं है और फिर इसका फादर बताते कि कल्टीवेशन लेवल क्या है। ये लड़की बता देती है, फिर बताते कि इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली यूजलेस बंदा है, ये कैसे तुम्हारा पर्सनल डिसाइपल बन चुका है। और ये फिर बता देती कि ये जो है पर्सनली इस पे पैसा दे कर ये अपनी पोजीशन खरीदी है, पूरे 5 लाख हाई स्पिरिट स्टोन दे दिए थे। वहां से बताते कि हाँ इसी तरह मैंने जो है अपनी ये पोजीशन ले ली है। तो फादर भी शोक हो जाता है कि सच में इसने पैसे देकर ये पोजीशन ले ली है। इसका फादर फिर बताते कि भले तुम से एक लीडर हो, तरह से डायरेक्टली किसी डिसाइपल को नहीं ले सकती हो। इसका फादर फिर रोने लग जाता है, फिर बता रहा था कि मैंने तुम्हें ये चीजें नहीं सिखाई थी, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत होती मुझे बता देते। और ये फिर बता रही होती कि फादर ये चीजें नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। और डायरेक्ट ये जो है यहाँ पर कोई चीज रख देता है और फिर एमसी को बता रहा होता है कि तुम काफी देर से खड़े हो, तुम थक चुके होगे, आ जाओ यहाँ पर बैठ जाओ। और दूसरा फिर बता रहा होता है कि तुम जो है उस एक लीडर के बाप के सामने ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। लेकिन डायरेक्ट ये इसके लिए चाय भी लेकर आ जाता है, पैर भी दबा रहा होता है कि तुम जो है यहाँ पर बैठ जाओ। वो भी शोक हो जाता है और यहाँ पर ये जो है लगे होते ब्लैंकेट भी लेकर आ जाते हैं, टेम्परेचर भी चेक कर रहे होते हैं। ये शोक हो जाते देखकर फिर बता रहे होते कि यहाँ पर चल के आ रहे हैं हमारे जो एल्डर है वो भी ये काम कर रहे हैं इसके साथ, और यहाँ पर ये एल्केमिस्ट मेरे गिल्ड के अंदर क्या कर रहा है। और थोड़ी देर बाद जो है इसको सब कुछ पता चल जाता है कि सच में मतलब इसने जो है 2000 पिल जो है कुत्ते को दे दिए थे, साथ में इसके पास लेजेंडरी लीफ भी है रिजरेक्शन वाली और उससे जो है ये अपने पैर भी धो रहा है। ये साला है क्या, मतलब गॉड ऑफ वेल्थ लग रहा है। और अगर ये जो है स्टार सेक्ट के अंदर चला जाता है, हमारे जो ओरिजिनल सेक्ट है वहां पर लोग इसको जो है पूजेंगे, ये इतना ज्यादा पावरफुल है। और ये फिर बता रहे थे कि हाँ हमें लगता है शायद से एमसी जो एक जगह के बारे में जैसे ही बताता है, ये फिर बताते कि नहीं नहीं बोलो। और ये फिर बता रहे थे कि मैं इस दफा आ चुका अपनी बेटी के सेक्ट को देखने के लिए, हर चीज यहाँ पर फाइन है तो मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। इन्हें बता देते कि चलो इनसे बात करता हूँ, तुम जा सकते हो। ये फिर बताते कि ठीक है। और मैं जो है एमसी का रूम दिखाया जाता है और ये आ जाते फिर बता रहे थे कि सीनियर मैं जो तुम्हारे लिए पानी लेकर आ चुका, इसका टेम्परेचर भी सही है। एमसी फिर बताते कि तुम भी आ चुके हो पैर धोने के लिए, ये फिर बता रहे थे कि हाँ क्या भाई तुम मुझे दे सकते हो थोड़ी देर बाद, जब तुम धो लेना फिर मैं कर लूंगा। और एमसी इसे बताते कि वैसे भी मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो क्यों ना तुम चले जाओ और पानी लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें जो हूँ दे दूंगा, हम दोनों अलहदा अलहदा बांट लेंगे। ये फिर बताते कि थैंक यू सीनियर, छत दिखाई जाती है यहाँ पर इन्होंने छेद कर दिया होता है। और ये फिर देख रहे होते फिर बता रहे थे कि एल्डर ये सच में जो है भाई वो रिजरेक्शन वाला हर्ब डाल है पानी में, पैर धोने वाला है। ये फिर बता रहे होते कि मेरे दिल से खून निकल रहा है ये देखकर। इसी के साथ अगला दिन हो जाता है और फिर एमसी बता रहे होते कि उसके अंदर मैंने पेड़ डाल दिया तो सच में वो पौधा बहुत ज्यादा कमाल का है, मेरे एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है। एमसी फिर बता रहे होते कि करंटली मेरे पास 2500 पॉइंट्स है, मुझे अभी सेव करने पड़ेंगे। और जो है एमसी को बिग स्पेंडिंग आइटम्स मिल जाते हैं, अबे स्वॉर्ड होती है और साथ में ब्रोकन रेमंड का पता नहीं 1000 जो है स्टॉक्स होता है, पता नहीं क्या चीज है, आई डोंट नो, बाद में हमें पता चलेगा। फिर एमसी बता रहा था कि साले ये चीजें है क्या, वैसे एमसी भी यही पूछ रहा होता है क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, मैं ये वाली सीरीज स्पेशली चाहता हूँ कि भाई मैं डार्क एक तरह से बोलते हैं ना रिएक्शन दूं तुम लोगों के साथ बेटर ही, मैंने इसको पढ़ा नहीं है तो हम दोनों साथ में चल रहे हैं। और ये जो है एक क्रिस्टल टाइप की चीज होती है, डॉगी को बताते कि जल्दी आ जा, वो आ जाता है यहाँ पर। एमसी बताते कि सिस्टम बता रहा था कि मुझे जो है सिर्फ सर को टच करना है, इसे जैसे टच करता है इसके अंदर और ज्यादा एनर्जी आ जाती है और इसके अंदर भाई साहब मार्शल आर्ट की टेक्निक घुस जाती है। भाई क्या चल रहा है, मतलब कुत्ता भी मार्शल आर्ट टेक्निक सीखेगा। फिर एमसी बता रहा था कि डॉगी क्या चल रहा है यहाँ पर, मेरे अंदर जो है कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है, ये क्या सीन था। और फिर एमसी बताते कि सिस्टम क्या होगा अगर मैं ये और लोगों को ना दूं यूज करने के लिए और मैं खुद यूज कर लूं तो क्या होगा। एमसी सोच रहा होता है कि जहां तक मुझे इसके नाम का पता चला तो ये नाम जो काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्या पता ये बहुत ज्यादा यूजफुल आइटम हो, मैं यूज कर लूंगा। डायरेक्ट सिस्टम बता देता है कि बहुत ज्यादा पॉइंट तुम्हारे माइनस हो गया अगर तुम ये खुद पे यूज करोगे। फिर एमसी बताते कि क्या मतलब ज़्यादा इतने ज्यादा पॉइंट माइनस होंगे। एमसी सोच रहा था कि लगता है कि ये चीजें मैं खुद पे यूज नहीं कर सकता हूं और मैं और लोगों को भी जो हूं पूछ नहीं सकता हूं। फिर एमसी कुत्ते को उठा देता है, फिर बताता है कि चल मेरे को फॉलो कर। और यहां पर सेकंड मास्टर दिखाई जाती है, उसका बाप भी इसे बता रहा होता है कि तुमने क्या कंसीडर किया है एमसी और दूसरे जो डिसाइपल है उसे बैटलफील्ड में भेजने के लिए ताकि वो ट्रेनिंग कर ले। मास्टर भी बताती कि हेवनली डाउ बैटलफील्ड के बारे में बोल रहे हो। और ये फिर बता रही होती कि मैं जो इन्हें ज्यादा गाइड तो नहीं करा सकती हूं और मुझे एमसी के बारे में चिंता नहीं है, अगर उसे बैटलफील्ड के अंदर भिजवा देती हूं, लेकिन उस दूसरे के बारे में चिंता है कि वो स्टूडेंट के अंदर जा सकता है। और इसका फादर फिर बताते कि क्या मतलब तुम्हारा कि तुम बोल रही हो कि एमसी के बारे में तुम्हें चिंता नहीं है और उसके बारे में चिंता है, भले एमसी के पास जो है ट्रेजर वगैरह है लेकिन उसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो आम ह्यूमन है, वो बैटलफील्ड के अंदर वो इजीली मारा जा सकता है। मास्टर फिर बताते कि फादर एमसी के पास भले जो है स्पिरिचुअल रूट नहीं है लेकिन वो फिर भी आम बंदा नहीं है, उसकी ताकत बहुत ज्यादा है और वो जरूर खुद को बचा सकता है बैटलफील्ड के अंदर। ये फिर बताते कि नहीं इम्पॉसिबल है, स्पिरिचुअल रूट नहीं है तो वो आम बंदा है, वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकता है। और ये फिर बता देती कि नहीं फादर वो जो है एक्चुअली में 9 जो है लेयर्स पे आराम से पहुंच चुका था, एक ही ट्राई के अंदर फिर दूसरी दफा भी पहुंच चुका था और उसका जो जितना भी पावर है वो मेरे से पूरा 20 गुना बड़ा है, और मैं जो खुद बहुत ज्यादा हार्ड कर रही थी बिलीव करना लेकिन एल्डर भाई ने खुद देखकर बताया था मुझे। ये फिर बताते इसका फादर कि ये फिर और ज्यादा इम्पॉसिबल है, अगर तुम इतना बड़ा जो है स्पिरिचुअल सी डेवलप कर लेते हो जितना उसने बनाया है तुम ब्रेक कर ले
रहते हो स्टार पिक्स के रिकॉर्ड को, और यहाँ तक कि तुम जो अलार्म कर दोगे ग्रैंड एंसेस्टर को भी। ओके, ऐसे कोई आम बंदा ऐसा कर सकता है? जैसे ये बोलता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, ये लोग भी देख रहे होते हैं कि क्या हो चुका है। और यहाँ पर ये आ जाते हैं सेक्ट मास्टर जो है उस दूसरे लड़के के बारे में पूछती है, वो तो नहीं होता है जो कि एमसी के साथ वो दूसरा डिसाइपल है, वो फिर बताते हैं कि वो भाग चुका है। यहाँ पर जो है स्वॉर्ड इंटेंट बहुत ज्यादा थी तो इसलिए वो हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ दो ही हैं। और ये फिर आ जाते हैं इसका बाप और फिर बता रहा होता है कि मैं जो हूँ प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये यहाँ पर आ जाते चेक कर रहे थे कि यहाँ पर ब्लास्ट कैसे हो चुका था। और ये लड़की फिर बताती है कि रुको जरा, वो एमसी है ना, ये जैसे ही देखते हैं एमसी यहाँ पर जो है इस कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। और ये फिर बता रहे थे कि हाँ सच में ये यही है, पहले मैंने नोटिस नहीं किया था, लेकिन जितनी ज्यादा जो है ये ओरा निकल रहा है वो उस कुत्ते से निकल रहा है, वो कुत्ता इतना ज्यादा पावरफुल कैसे, अगर ये मैं अपनी आंखों से नहीं देखता तो मैं बिलीव भी नहीं करता इस पर। एमसी फिर इन्हें बता रहे होते कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और मास्टर फिर बता रही होती कि तुमने जो है ये स्वॉर्ड इंटेंट इस कुत्ते को दे दिया। फिर एमसी बता रहा होता है कि बस मैंने इसको दे दिया, मेरे पास वो था तो इसलिए मैंने वो चीज जो इस पे यूज कर दी। और ये सारे शोक हो जाते कि रुको जरा, तुम्हारे पास अबे स्वॉर्ड इंटेंट थी? एमसी बताते कि हाँ। एमसी भी सोच रहा होता है और ये जो इतनी ज्यादा गुस्से से मुझे क्यों देख रहे हैं। मास्टर फिर बता देती है कि ये टेक्निक जो है बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, और यहाँ तक कि हेवनली डाओ बैटल के अंदर भी ये बहुत ज्यादा इजी नहीं होती इसको मिलना, ये जो है डिपेंड होता है तुम्हारे लक पे ये एबिलिटी मिलना, और तुमने जो है इसको यूज कर लिया इस कुत्ते पे, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती है? और भले तुम जो चीजें वेस्ट करते हो लेकिन भाई लिमिट होती है एक चीज की। एमसी फिर बता रहे होते हैं कि हेवनली डाओ बैटल फील्ड ये क्या चीज है, और ये फिर बताती है कि चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ, वैसे भी मैं जो हूँ प्लानिंग कर रही थी तुम लोगों को सेंड करना वहाँ पर, तुम लोग ट्रेनिंग कर लोगे वहाँ पर। एमसी जिस कंट्री के अंदर रह रहे हैं इसकी तरह और भी जो है राम्स होते हैं, और जितने भी राम्स होते हैं इसके डायमेंशन एक्सेस हो सकते हैं हेवनली डाओ बैटल फील्ड से, और तुम्हारे अंदर जितनी ज्यादा पावर होती है तुम उतने ज्यादा डिफरेंट एरियाज के अंदर घुस सकते हो। तो यहाँ पर सारे लेवल दिखाए जाते हैं कि भाई कौन कौन सा लेवल है। एमसी शायद से की गैदरिंग पे है या स्पिरिचुअल फ्यूजन पे है, मे बी स्पिरिचुअल फ्यूजन पे है एमसी, और किसी को भी पता नहीं कि ये बैटल फील्ड जो कैसे आ चुके हैं। बैटल फील्ड के अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा चीजें मिल सकती है, कल्टिवेशन रिसोर्सेज मिल सकती है और भी चीजें मिल सकती है, ट्रेजर भी। और इस राम्स के अंदर बहुत ज्यादा डेंजर भी पाया जाता है, मतलब चीजें तो मिल रही है लेकिन डेंजर भी है, अगर छोटी सी भी मिस्टेक कर ली तो तुम वहाँ पर मर भी सकते हो। डायरेक्ट एमसी को भी मिशन आ जाता है कि एमसी को जो है सेकंड लेयर ऑफ हेवनली डाओ बैटल फील्ड पे जाना है, वहाँ पर डिफीट करना है पूरे 100 पीक गैदरिंग राम के बीस को। अगर ये जो है सक्सेसफुल हो जाते इसे बहुत ज्यादा बिग स्पेंडिंग के पॉइंट्स मिल जाएंगे, अगर ये जो है फेल हो जाते तो इसे जो है काफी ज्यादा पॉइंट भी माइनस होंगे। और यहाँ तक ये भी मिशन बता देता है कि तुम रिजेक्ट भी कर सकते हो, मतलब मिशन नहीं सिस्टम बता देता है। एमसी सोच रहा था कि पिछली दफा इस टाइप का मिशन जो मुझे मिला था वो तब था जब मुझे ये सेक ज्वाइन करना था, लेकिन इस दफा अभी दूसरा मिल चुका है कि मुझे बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन मैं कैसे जो हूँ पूरे 120 को मार सकता हूँ जबकि मेरा लेवल इतना ज्यादा नहीं है, और जितने भी बीस्ट है वो ऑलमोस्ट एमसी के सेम लेवल पर है जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और ये फिर एमसी को बता रहा था कि तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने कितने ज्यादा जो है स्वॉर्ड इंटेंट के चीजें इस पे यूज कर ली इस कुत्ते पर, क्योंकि इसके जो इंटेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुत्ता बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लगता है ये पहुंच चुका है पीक ऑफ स्वॉर्ड इंटेंट का और ये ब्रेक थ्रू कभी भी कर सकता है। और ये सोच रहा होता है कि हमारे क्लैन के अंदर एंसेस्टर था ग्रैंड एंसेस्टर, उसने जो है 100 साल से ज्यादा कल्टीवेशन कर ली थी और वो मुश्किल से जो है स्वॉर्ड हार्ट के पाल पे पहुंच चुका था, और साथ में जो है फ्रॉस्टी हेवन स्वॉर्ड जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। एमसी पर बताते कि नहीं ज्यादा तो यूज नहीं किया, बस 10,000 जो है यूज कर लिए थे इस पर, और मैं जो हेजिटेट नहीं कर रहा था इस पे यूज करना। और ये सारे जो है एमसी को गुस्से से देख रहे होते हैं और सारे फिर इसे बातें सुना रहे होते कि तूने 10,000 इस पे यूज कर दिया, 10,000 तूने वेस्ट कर दिए कुत्ते पर, और ये चीज जो है इसके पीछे हर कोई पागल होता है, तुमने इसको कुत्ते को दे दिया। फिर एमसी बताता कि चलो छोड़ देते हैं, इस दफा मैं माफी मांगता हूँ। एमसी सोच रहा होता कि भाई अगले दफा मेरे को वापस से ट्राई करना पड़ेगा, इस तरह की चीज मिल जाती है, लेकिन फिर भी इनसे जो है अगर मैं पूछ लेता कि ये क्या है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। और ये फिर बता देती है कि प्लीज फादर इसे जो है लेकर चले जाओ, और ना मुझे डर लग रहा है कि मैं जो हूँ अपना कंट्रोल लूज कर दूंगी और इसकी हालत खराब कर दूंगी, मैं इसे फिर नहीं छोड़ने वाली हूँ, और ये जो है मेरे हाथों से मारा जाएगा। और इसका बाप इसे पकड़ लेता है, फिर बताता है कि ठीक है इसकी ट्रेनिंग जब खत्म हो जाएगी इसे मैं वापस भेज दूंगा तुम्हारे पास, मुझे भी डर लग रहा है कि मैं भी कंट्रोल खुद पे नहीं कर पाऊंगा, इसको धुलाई कर दूंगा मैं। और इसी के साथ ये जाने लग जाता है। एमसी बताते कि हम कहां जा रहे हैं, और ये फिर बताते कि हम जो स्टार सेक्ट पे जा रहे हैं, और वो ऐसा सेक्ट है जिसको मैंने स्टेबलाइज किया है जहां पर कल्टीवेटर है, और जब टाइम आ जाएगा तुम जो और ज्यादा सीनियर ब्रदर्स को फॉलो कर लोगे बैटल फील्ड के अंदर, जो कि अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। एमसी बताते कि सीनियर ब्रदर्स, एमसी फिर बता रहे थे कि मास्टर क्या हमारा सेक्ट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तुम जो किस राम के अंदर हो कितने ज्यादा पावरफुल हो। एमसी यहाँ पर काफी ज्यादा सवाल इससे पूछ रहा होता है हर तरीके के, काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता, बता रहा था कि अपना मुंह बंद कर भाई। और इसी के साथ ये जो है कहीं पर आ जाते हैं रुकने के लिए रात को, ये फिर बताता है मास्टर के हमें 2 रूम चाहिए। एमसी बताते कि मास्टर अपन पैसे देगा, ये फिर बताते कि अपना मुंह बंद रख। एमसी यहाँ पर जो है सो जाता है, अगले दिन हो जाता है एमसी उठ जाता है, फिर बताते कि मैं बहुत अच्छी तरीके से सोया। एमसी को जो आइटम मिले होते हैं इस दफा अगले दिन वो जो है 100 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं। एमसी हंस रहा होता है, फिर बता रहे होते हैं कि मुझे पता है कि ये पैसे जो है आज मैं कैसे उड़ाने वाला हूँ। एमसी सिस्टम को बता देते कि जल्दी करो मेरे लिए जो टेक्निक्स खरीदो जो
जो कि मुझे चाहिए। और इसी के साथ सिस्टम खोलता है और डायरेक्ट जो है एमसी को बता देता है कि तुम्हारे 100 पॉइंट जो है वो कंज्यूम हो चुके हैं और तुम्हें जो है ह्यूमन रैंक का हाई टियर का मार्शल आर्ट टेक्निक मिल चुका है, फायर ड्रैगन फिस्ट टेक्निक। फिर एमसी खुश होता है, फिर बता रहा था कि सच में सिर्फ 100 पॉइंट लगा दिए, मुझे ये मिल गया, मैं बहुत ज्यादा लकी हूं। फिर एमसी बताता है कि रुको जरा, फायर ड्रैगन फिस्ट ये क्या चीज है? और डायरेक्ट सिस्टम बता देता है अगर तुम्हें जो है ये यूज करना है तो तुम्हें जो है फायर एट्रीब्यूट चाहिए होगा इसको यूज करने के लिए। एमसी बताते हैं लेकिन मेरे पास फायर की एबिलिटी कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है, तो मैं कैसे इसे यूज करूंगा? और सिस्टम बताते हैं कि रुको जरा, और एमसी की जो स्पिरिचुअल की है वो चेंज हो जाती है और डायरेक्ट वो पुराने वाले से फायर पे शिफ्ट हो जाता है एमसी। और एमसी सोच रहा था कि वाओ ये अमेजिंग है कि मेरे अंदर जो है कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है लेकिन मेरी एबिलिटी चेंज हो चुकी है, मैं फायर यूज कर सकता हूँ अभी। और डायरेक्ट वो मास्टर आ जाता है, एमसी को बता रहा था कि जल्दी करो भाई, ब्रेकफास्ट करना है, हमें वापस से जाना है। एमसी बताते हैं कि ठीक है, सोच रहा था कि बाद में ये टेक्निक यूज करूंगा फेस्ट वाली। इसी के साथ आधा घंटा गुजर जाता है और ये वापस जा रहे होते हैं और ये फिर एमसी को बताते हैं कि कल तेरे को बता दिया था कि हमें जल्दी से सेक जाना है तो हमें सुबह निकलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुमने टाइम लगा दिया ब्रेकफास्ट खाने में। एमसी फिर बता रहा था कि मैं आराम से खा रहा था क्योंकि मुझे जो है अपनी हेल्थ प्यारी है। वही एमसी को बता रहा था कि तू कर क्या रहा है, एमसी पता नहीं पीछे कुछ कर रहा होता है। ये फिर बता रहा था कि कर क्या रहे तू, फिर एमसी बता रहा था कि मैं ब्लेसिंग गिरा रहा हूँ स्काई से और ये यहाँ पर जो है ये स्टोन सब फेंक देता है। वही एमसी को बता रहे थे कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे पास कितने ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन है लेकिन फिर भी तुम इसे इस तरीके से वेस्ट नहीं कर सकते हो, और जब एक दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा उस दिन तुम अपसेट हो जाओगे और तुम्हें पता चल जाएगा तुमने क्या खोया है। एमसी फिर बता रहे थे कि मास्टर तुम्हें पता है कि लाइफ के अंदर सबसे पेनफुल क्या होता है, हर एक बंदे के लिए पेनफुल चीज जो है वो चेंज होती है। एमसी यहाँ पर इसको बकचोदिया कर रहा होता है लाइफ के बारे में। एमसी फिर बता रहे थे कि मेरे लिए पेनफुल चीज मास्टर ये है, अगर मैं मर जाता हूँ मेरे पास पैसे रहेंगे तो क्या होगा। एमसी को बता रहे थे कि भाई बहुत बड़ा कमीना है तू, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम जो हो कितने टाइम तक ये चीजें फेंक सकते हो। एमसी यहाँ पर फेंक रहा होता है और ये सेक्टर भी आ जाता है। एमसी सोच रहे थे कि फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया था एक एक स्टोन फेंक कर। एमसी फिर बता रहा था कि सच में हमारा जो पुराना वाला सेक्ट है वो बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन साला ये इतना बड़ा है। और यहाँ पर कोई बंदा होता है, स्टुअर्ट सोंग नाम होता है इसका, और ये मास्टर फिर बताता है कि ये लड़का जो है मेरा पर्सनल डिसाइपल है और कुछ दिनों बाद और सीनियर जो है वो बैटल फील्ड के अंदर जाएंगे। और ये एमसी को बता, मास्टर फिर एमसी को बता देते हैं कि चलो कुछ दिनों बाद हम जो है फिर चले जाएंगे, 3 दिनों बाद ही। एमसी आ जाता है, फिर बता रहा था कि सॉरी तुम्हें ट्रबल देने के लिए मैं जो तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए रहूंगा। ये फिर बताते कि नहीं मेंशन मत करो। अचानक से साउंड आ रहा होता है, एमसी फिर बता रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये फिर बता रहे होते कि आज जो है दिन है जब बाहर के डिसाइपल जो है वो इनर डिसाइपल के साथ फाइट करेंगे, तुम भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ज्यादा फन होता है। और सिस्टम डायरेक्ट बता देते हैं एमसी को कि अगर तुम जो है इसके चैंपियन बन जाते हो, पूरे 100 लोगों को हरा देते हो अपने लेवल वालों को, तो तुम्हें 500 पॉइंट मिल जाएंगे, अगर हारोगे तो भाई 500 माइनस होंगे। फिर एमसी बताते कि सच में 500 पॉइंट वो भी इतने ज्यादा कम टाइम के अंदर, मैं आ रहा हूँ। इसी के साथ अरीना पे आ जाता है और सारे लोग फिर बता रहे थे कि ये लड़का कौन है, ये हमारे सेट के कपड़े भी नहीं पहन रहा है और ये जो आ चुका है अरीना के अंदर फाइट करने के लिए और ये किसी को चैलेंज देने आया है। और एमसी अपना नाम और हर चीज बता देता है कि ये कौन से सेक्ट से है। एमसी बताते कि आज मैं पार्टिसिपेट करूंगा इस चैलेंज के अंदर, तो मैं सब जो है सीनियर ब्रदर से बोलना चाहूंगा या सिस्टर से कि मुझे गाइड करना। और ये सारे फिर बता रहे थे कि सच में ये जो है होली मेडन का पर्सनल डिसाइपल है, मैंने इसके बारे में तो सुना था कि होली मेडन ने जो है अपना सेक्ट बना दिया है लेकिन मुझे पता नहीं था। और इसके साथ एक लड़का आ जाता है, फिर बता रहा था कि मैं तुमसे फाइट करूंगा और सारे लोग इसके बारे में बता रहे थे कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो 3 सालों से कल्टीवेशन कर रहा है, काफी ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच चुका है। फिर हमसे बताते कि लगता है तुम काफी ज्यादा फेमस हो सेक्ट के अंदर। ये फिर बता रहा था कि बेट नहीं है, मुझे जो 3 साल लग चुके थे पीक ऑफ 9 राउंड पे पहुंचने के लिए की गैदरिंग राउंड के अंदर, तुम्हें कितना ज्यादा टाइम लग चुका था पहुंचने में। फिर हमसे बताता है कि मुझे 10 मिनट लग चुके थे यहाँ पर पहुंचने के लिए, मतलब उस लेवल तक पहुंचने के लिए, और साथ में जो है स्पिरिचुअल राउंड पे भी पहुंच चुका था और दूसरा राउंड के बारे में बोलता हूँ, वहां पर भी राम बोलता हूँ लेकिन सॉरी मैं सही से बोल नहीं पाता, राम बोलने का ट्राई करता हूँ लेकिन हो जाता है राम बोल लेता हूँ। एमसी फिर बता रहा था कि मुझे 20 मिनट लगे थे स्पिरिचुअल सी से की गैदरिंग राउंड तक पहुंचने के लिए, लेकिन एमसी को 5 मिनट लगे थे रियलिटी में। एमसी ऐसे ही बता रहा है 20 मिनट है। ये फिर बता रहा था कि भाई क्या बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है तू। और यहाँ पर सब लोग शांत हो चुके होते हैं और सारे बता रहे थे कि ये झूठ बोल रहा है, इस लड़के को 3 साल लग चुके थे 9 लेयर को पार करने में, ये फिर बता रहा है कि ये जो है 10 मिनट के अंदर जा चुका है, ये झूठ बोल रहा है। और यहाँ पर एक दूसरा लड़का बता रहा था कि मुझे 30 मिनट तो लग जाते सिर्फ वॉशरूम से निकलने में, ये सच में झूठ बोल रहा है। एमसी फिर बताते कि अच्छा तुम लोग मुझ पे बिलीव नहीं करते हो, और ये आ जाते हैं एमसी को मारने के लिए, चलो फाइट करते हैं देखते कितने ज्यादा पावरफुल हो। एमसी भी अपना वो फिस्ट बना देता है ड्रैगन वाला और इसकी तरफ ये फिस्ट जो है आ रहा होता है और ये बता रहा होता है कि अच्छा नहीं है, मैं जो हूँ अवॉइड नहीं कर पाऊंगा इसके अटैक को और मुझे जो है इसे बीच में से काटना पड़ेगा मेरे स्वॉर्ड डिफेंस के सिस्टम से। और ये जैसे यहाँ पर इसे काट देता है, वैसे हाँ मैं भूल चुका था वो डॉगी का क्या हुआ भाई, वो शायद से सेक्ट के अंदर रह चुका है। और यहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सारे फिर बता रहे थे कि जल्दी करो जूनियर डिसाइपल को प्रोटेक्ट करो, सबको छोड़ना लग जाए। और ये सारे फिर बता रहे थे कि इसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम जो है नहीं झेल पाएंगे, प्रोटेक्ट किसी को भी नहीं कर पाएंगे। और सारे बता रहे थे कि देखो जरा वो जो है फायर ड्रैगन आ चुका है, वो डिसअपीयर भी अभी तक नहीं हुआ है। और ये सारे फिर बताते हैं कि क्या ये जो यहाँ पर भाग रहा होता है और ये ड्रैगन इसी के पीछे होता है, ये चीख रहा होता है कि भाई क्या चल रहा है, मेरी एबिलिटी कुछ भी नहीं कर पाए। और एमसी भी यहाँ पर स्टाइल मार रहा होता है, फिर सोच रहा होता है मैं ये मूव यूज
करना चाहता था और ये ड्रैगन यहाँ पर आ जाता है और ये सोच रहे थे कि ये मॉन्स्टर कहाँ से आ चुका है। डायरेक्ट ये आ जाता है नीचे, फिर बता रहे थे कि मैंने सरेंडर कर लिया और फाइट नहीं करूंगा। वहां से फिर बताता है कि कौन जो है अगला है जो कि मेरे से फाइट करेगा, क्योंकि मुझे जो है 100 बंदों से ही फाइट करनी है। और बस यहीं पर एपिसोड को एंड कर लेते हैं। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। हाँ, इस वीडियो पे 3000 लाइक्स हो जाते हैं मैं सेकंड पार्ट लेकर, नहीं मैं थर्ड पार्ट लेकर आ जाऊंगा, तो बस लाइक करो। हाँ, कमेंट में नेक्स्ट लिख देना। बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।